छतरपुर में पुलिस ने बच्चे का अपहरण करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है आरोपी एक पहाड़ी पर छुपे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने इनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे को लौटाने के एवज में आरोपियों ने 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। छतरपुर में भास्कर तिवारी के 6 साल के मासूम बच्चे अभी का घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया और फोन कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने कॉल के आधार पर बच्चे की खोज शुरू कर दी और बच्चा सुबह निवाड़ी के पहाड़ी पर मिला। बताया जा रहा है कि अपहरण करने वाले खोप गांव की पहाड़ी पर छिपे थे, जहां ग्रामीणों ने इन अपराधियों को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे के पिता ने पुलिस की कार्य प्रणाली की सराहना की और कहा सबकी मेहनत से उनका बच्चा घर सकुशल वापस आया है। साहब, उसमें पुलिस प्रशासन ने बराबर हमारा सहयोग किया, पूरा तन मन धन से, हर तरीके से, और पुलिस प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी, हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उन्हीं ने हौसला दिया हमको, एसपी साहब ने, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम चले और आज ये हमको सफलता मिली। मैं किसी काम से गया हुआ था, फिर लौट के आया तो यहाँ जानकारी लगी कि अभी नहीं मिल रहा है। मैंने जाके जगह जगह पे देखा, सबसे पूछा, कोई सुराग ना मिलने की ऊपर, फिर मुझे जब मैं ढूंढ रहा था तब मुझे फिरौती के लिए फ़ोन आया। अब नंबर तो भैया नहीं, फ़ोन का आया था, अब फ़ोन जो है अब उसी लड़के का आया था कि ऐसा इतने इतना पैसा दे दीजिए, 1 करोड़ की मांगी पहले उसने, फिर 10 लाख, फिर कुछ, तो हमको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि बच्चा इसी के पास है कि नहीं है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।